कोरबा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आयोजित 10 दिवसीय प्रांतीय घोष वर्ग में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षार्थी अनेक वाद्य यंत्रों के वादन की विद्या में पारंगत हुए। उन्होंने अपनी दक्षता का प्रदर्शन शिविर के अंतिम दिवस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर फेस 1 दशहरा मैदान में किया। इसने अपनी विशेष छाप लोगों पर छोड़ी। इससे पहले महाराणा प्रताप नगर दशहरा मैदान बुधवारी से पथ संचलन निकाला गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोरबा जिला इकाई संयोजन में प्रांतीय 10 दिवसीय घोष वर्ग का आयोजन 28 अप्रैल से किया गया, जिसका समापन रविवार को कोरबा के पूर्व CMHO और गौमुखी सेवा धाम देवपहरी के संस्थापक सचिव डॉक्टर भारत भूषण बोर्डे के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम के मंच पर यह प्रांत प्रचारक नारायण नामदेव, कोरबा विभाग संघ चालक सत्येंद्र दुबे और नगर संघ चालक डॉक्टर विशाल उपाध्याय उपस्थित थे। अभ्यास वर्ग में मुख्य शिक्षक की भूमिका रविक पटेल ने निभाई। वर्ग कार्यवाह शाश्वत दुबे थे। संघ भी ऐसे है, दूर से देखने में हमको संघ इसी प्रकार से समझ में आता है, लेकिन जैसे जैसे हम संघ के नजदीक आते हैं तो हमको संघ के विचार, संघ की प्रेरणा, संघ के कार्यक्रम सब समझ में आते हैं कि संघ कैसा है। यानी संघ को समझना है तो हमको संघ के शाखा में आना पड़ेगा, संघ के कार्यक्रम में आना पड़ेगा, तब हमको संघ समझ में आता है कि संघ किस विचार को लेकर के काम करता है। घोष वर्ग उस समय जो एक कल्पना थी वो साकार करना बहुत कठिन था। कठिन इसलिए था कि ये जो संगीत जो होता था केवल सेना में होता था और उस समय कोई प्रशिक्षण देने के लिए लोग संघ में नहीं थे। तो जो हमारे संस्थापक महोदय थे उनका एक विचार आया कि क्यों ना हम इसको भी शुरू करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर कार्यवाह कैलाश नायक ने बताया कि प्रांतीय घोष वर्ग का सफल आयोजन सरस्वती विद्यालय कोरबा में किया गया। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से 116 शिक्षार्थी इसमें शामिल हुए। इस वर्ग में कुल 116 शिक्षार्थी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला से सम्मिलित हुए। अलग अलग प्रांत के लोगों ने, चाहे वो मलयाली समाज हो, पंजाबी समाज हो, गुजराती समाज हो, इस प्रकार से अलग अलग प्रांत के लोगों ने एक एक दिन का नाश्ते का व्यवस्था किया और स्वयं आकर उन सबको नाश्ता कराए। कोरबा नगर के 60 परिवारों ने घर से स्वादिष्ट भोजन लेकर गए और वह 116 विद्यार्थी के साथ बैठकर उनको अपने साथ बिठाकर भोजन कराया। इस व्यवस्था के लिए, इस वर्ग के लिए जो भी दाल चावल इत्यादि का जरूरत था वो सब कोरबा नगर के प्रमुख दानदाताओं ने, समाज सेवियों ने दिया। उनके सहयोग से यह वर्ग संपन्न हुआ। बताया गया कि 10 दिन का घोष वर्ग कुल मिलाकर भारतीय समाज के विभिन्न घटक के अभूतपूर्व सहयोग से संपन्न हुआ है। हर तरह की व्यवस्था ऐसे उदार दानदाताओं के माध्यम से संपन्न हुई है। सरस्वती विद्यालय में 10 दिनों तक प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ स्वयं सेवकों ने संघ के कार्यक्रमों में प्रयोग होने वाले नागांग, तूर्य, प्रणव, वेण, आनक, शंख पर आधारित विभिन्न रचनाओं की मनभावन और रोमांच से भरपूर प्रस्तुति दी। प्रदर्शन का यह सिलसिला अलग अलग क्रम में 40 मिनट तक जारी रहा, जिसने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संपूर्ण कार्यक्रम का समन्वय RSS के प्रांत और कोरबा जिले के दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने किया। ACN News के लिए इमानुएल तांडी की रिपोर्ट।